इस वीडियो में आज आपको आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा जो कि है हमारा गूगल अकाउंट के ऊपर, कि हमारा जो गूगल अकाउंट है उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ जो है वो हम यूज़ करते हैं और बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो हम एक एक करके ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं और उससे ही हम बात करते हैं। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपका जो भी सिस्टम है कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है, और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास नहीं है तो मोबाइल के ब्राउज़र में आपका जो भी मेल आईडी है उस मेल आईडी से आपको लॉगिन होना है। तो जैसे कि मेरा ये जो क्रोम ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद ये जो मेरा मेल आईडी है वो मेल आईडी हमने इसमें लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो भी गूगल अकाउंट होता है उसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं और जो मेल वगैरह होता है वही हम एक्सेस करते हैं। लेकिन इसमें आपको देखने से साइड में एक डॉटेड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें लिखा हुआ है गूगल ऐप्स। तो इसमें ही बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक एक इसमें क्या है। ये क्लिक करने के बाद आपको गूगल सर्च, मैप, यूट्यूब, प्ले, न्यूज़, जीमेल, इस तरह का बहुत कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी जो है ये जो नीचे वाला जो भी ऑप्शन वगैरह है, ये जो वेब डेवलपर या जो ऑनलाइन में काम आज करते हैं उन लोगों पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। गूगल एडसेंस अकाउंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लॉगिंग करना हो आपको तो भी आप इससे यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो हमारा जो डेली नीड के लिए कुछ कुछ चीज़ हमें दिया गया है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि गूगल हम जब अकाउंट खोलते हैं तो हमें कुछ ऑनलाइन यानी कि क्लाउड स्टोरेज में कुछ डेटा वो लोग हम लोगों को देता है, तो उसमें हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता है गूगल सर्च, इसमें हम अगर क्लिक करेंगे तो इस मेल आईडी से हम जो कुछ भी सर्च किए हैं वो सर्च रिजल्ट भी आएगा और हमने जो कुछ यहाँ पे सर्च करेंगे वो भी स्टोर हो जाएगा। तो जब आप गूगल डैशबोर्ड ऑन करोगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो आपके सर्च रिजल्ट के बारे में भी है, जो जो आपने सर्च किया है वो सब इसमें रहेगा। यूट्यूब में आपने क्या क्या देखा है, कितने कॉमेंट किए हो, जो आपने मेल है मेल में क्या क्या आता है, गूगल प्ले में आपका क्या ऐप है, कौन सा ऐप आप इंस्टॉल किए हो, टोटल मिला के कुल मिला के कितना ऐप आपके पास आपने एक्सेस किया हो अभी तक, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रिजल्ट देखने को मिलता है मैप्स। तो इस मैप पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आपका गूगल का जो मैप है वो मैप ऑन हो जाता है। तो इस मैप आपको देखने में कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो राइट बटन दिखा, राइट में एक बटन दिखा रहा है, इसमें मेनू बोल के दिखा रहा है, तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी तो हम भी कुछ कुछ जानते हैं और कुछ कुछ नहीं जानते, तो इसमें आप लोगों का जो काम का है वो हम दिखा देते हैं। ये टाइम लाइन बोल के, तो जब आप इस टाइम लाइन पर क्लिक करोगे तो इस मेल आई डी आपके फ़ोन में जब से है और उस फ़ोन में जब से आपने लोकेशन ऑन करके रखा हुआ है तो सभी जो आपका लोकेशन है वो स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो इस तरह से। तो दिखा रहा है अपने गए थे यहाँ पे हैदराबाद का एक लोकेशन दिखा रहा है, तो उस लोकेशन पे आप क्लिक करोगे रामोजी फिल्म सिटी, तो इस लोकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ गए थे, रामोजी फिल्म सिटी किस तरह से गए थे, ये सब कुछ डेटा आपको देखने को मिल जाता है। बस ये जो डॉटेड दिखा रहा है इसमें आपको ये वे वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाएगा तो इसमें क्लिक करना होता है, और क्लिक करने से आपको जो डिटेल्स इसका है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम क्लिक कर लेते हैं एक बार, तो क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से रामोजी फिल्म सिटी। इसमें क्लिक करोगे तो आप कहाँ कब कब गए थे, किस तरह से आप गए थे, वो टोटल आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है होटल तारा, रामोजी फिल्म सिटी, तो सब कुछ डेटा इसमें दिया हुआ है। रूट भी आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से किस तरह से गए थे ये भी रूट आपको देखने को मिलेगा, कितने टाइम वहाँ पर आपने स्पेंड किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो आपका जो फ़ोन लेने के बाद से जो भी जहाँ पर भी आप लोकेशन ऑन करके गए हुए हो
तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप एक एक करके चेक कर सकते हो आप कहाँ गए थे। अगर आप आपको मालूम नहीं चल रहा है कि याद नहीं है डेट आपने कब वहाँ गए थे, तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद ही उस डेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम क्लिक कर लेंगे तो इसमें हमें डेट देखने को मिल जाएगा कि इस लोकेशन पे हम कब गए थे, कौन सी डेट में गए थे, कहाँ से गए थे। यहाँ पे दिखा रहा है मिदनापुर से हम गए थे यहाँ पे, तो ये वाला डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम और क्लिक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो मैप का और भी बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, वो आप यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब तो हम सभी यूज़ करते हैं, वही है उसका सार्च रिजल्ट वगैरह वो सब कुछ आता है। अब प्ले में आप क्लिक करोगे तो आपका प्ले स्टोर ही खुल जाएगा, और प्ले स्टोर खुलने के बाद आपका जो भी सेटिंग्स वगैरह इसमें जाओगे तो कौन सा ऐप इसमें डाला हुआ है, कौन सा ऐप आप डाल रखे हो और बाद में भी आप यूज़ किए हो। अभी के लिए तो आपने अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो वाला ऐप आपने यूज़ किए थे तो उसका डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यूज़ करके एक बार देख लेना। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें ये जो कॉन्टैक्ट बोल के दिखा रहा है, ये कॉन्टैक्ट है हमारा फ़ोन का, जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह होता है वो ऑटो सिंक बोल के एक फीचर्स हमारे फ़ोन पर रहता है। जब भी हम वो वाला ऑन करते हैं तो ऑन करने से क्या होता है, गूगल का जो सर्वर है तो उस सर्वर में हमारा जो कुछ भी कॉन्टैक्ट वगैरह होता है वो खुद ब खुद सिंक हो जाता है। सिंक होने के बाद क्या होता है आप यहाँ पे देख लो, तो जितना सारा फ़ोन नंबर आपने सेव करके रखे हो तो सब कुछ फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि फ़ोन, अगर आपका फ़ोन नंबर जो कुछ भी है अगर आपका डिलीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप आकर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने से आपका जो भी डेटा है CVS फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, वो वाला आप फ़ोन में लेकर फिर से अपलोड कर सकते हो। यानी कि एक्सपोर्ट जब भी करोगे तो वो इस नंबर से ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। जिस तरह से आपका 620 नंबर आपके यहाँ पे दिखा रहा है, जिस तरह से गूगल कॉन्टैक्ट अगर आपका खो जाए तो आप यहाँ से ढूंढ के वो वाला भी ले सकते हो। अगर फ़ोन में डिलीट हो जाए तो आपने जब तक यहाँ से ना डिलीट करोगे तब तक यहाँ से डिलीट नहीं होगा, आपको फ़ोन में ना रहे शायद, लेकिन यहाँ पे एक बार स्टोर हो गया तो आपको यहाँ से आकर डिलीट करना होता है, उसके बाद ही फ़ोन से वो डिलीट होता है। और एक बार हम देख लेते हैं गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव क्या है, जो क्लाउडिंग स्टोरेज हम लोगों को दिया जाता है उसमें हम हमारा जो कुछ भी डेटा वगैरह है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि फ़ोन का डेटा स्टोरेज फुल हो गया तो हम हमारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है हमें सब, हर टाइम तो वो काम में नहीं आता है लेकिन कुछ उस टाइम में काम में आ जाता है, तो फ़ोन में अगर वो डेटा ना रहे हमारा वो ऑनलाइन स्टोरेज में रहेगा तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि हमारा पासबुक वगैरह हो गया, पे स्लिप वगैरह होता है, यानी कि जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी हमारा सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम जब भी हमें यूज़ के लिए आए तो हम यहाँ से डाउनलोड करके वो वाला काम कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी इसमें आप अपलोड कर सकते हो, और फ़ोन में भी गूगल ड्राइव बोल के एक ऐप आ जाता है, उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ से भी आप अपलोड कर पाओगे। हम यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे अपलोड होता है। इस न्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, यानी कि फोल्डर भी आप अपलोड कर सकते हो और फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो। तो फाइल अपलोड करने से यहाँ पे जो आपका सिस्टम का जो भी ड्राइव वगैरह होता है वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। और अगर फ़ोन में करोगे ये चीज़ तो आपका फ़ोन में मेमोरी कार्ड में या फ़ोन स्टोरेज में जो कुछ भी डेटा वगैरह होता है वो आपको दिखाएगा। वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो वो जो डेटा है वो आपका क्लाउड स्टोर में अपडेट हो जाएगा, और अपडेट हो जाने के बाद इस तरह से आपको दिखाएगा। तो इसमें फ़ायदा आपका ही है, वो फ्री में अगर स्टोरेज दे रहा है तो हमें इस तरह का काम के लिए तो यूज़ करना ही चाहिए। फ़ोटो वगैरह के लिए अलग से आपको सेक्शन एक मिल जाता है, लेकिन ये जो ड्राइव वगैरह होता है इसमें आप बहुत कुछ रख सकते हो। इसमें अलग से 50 GB तक की इसमें दिया हुआ है, 15 GB यूजेस के लिए दे रखा है, यानी कि 15 GB तक जो कुछ भी आपका डेटा है वो आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, और बाकी जब भी आपको यूज़ के लिए आए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो फॉर्मेट में हमने रखोगे या जो साइज में आप रखोगे उस साइज में ही आपको वो मिल जाएगा, यानी कि हाई क्वालिटी में भी आप सेव कर सकते हो या लो क्वालिटी में भी आपको सेव कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में इसमें रखा हुआ है, तो वही फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने के वक्त भी मिल जाएगा। और एक ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसमें क्लिक करेंगे तो फोटो में हम जाएंगे तो हमारा एक ऐप आता है फ़ोन के साथ ही, उस ऐप हमें देखने को मिल जाता है गूगल फोटो बोल के।
यानी कि किसी किसी टाइम फोटो में भी फोटो भी देखने को मिलता है, तो उस तरह का ही इस ऐप है। तो इस ऐप में आपको अपलोड करने से खुद ब खुद ये एक तो चीज़ ऐसा है कि फ़ोटो का जो सेक्शन है वो आप ऑटोमेटिक अपलोड कर सकते हो, या एक ऑप्शन रहता है कि आप चाहो तो जो पिक्चर आप चाह रहे हो अपलोड करने के लिए वो वाला पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हो। जो स्टोरेज है वो शायद कम हो गया है, कुछ स्टोरेज आपको डिलीट करना होता है, तो आप चाहो तो इसमें आप रख सकते हो, बाद में जब भी आपको यूज़ के लिए आया तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव के जैसा ही है, इसमें अलग से दिया हुआ है फ़ोटो का ऑप्शन, यानी कि आप यहाँ में फ़ोटो वोटो वगैरह जो कुछ भी है वो रख सकते हो। तो डिलीट आप जब तक यहाँ पर आकर आप डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगा। इसमें आकर आपको डिलीट करना होता है, उसके बाद ही ये डिलीट होता है। तो डिलीट जब आप करोगे तो इसमें जो आपको ट्रैस बोल के एक इसमें दिया हुआ है, तो इस ट्रैस में आके ये स्टोर हो जाता है। इसमें भी इससे भी आपको डिलीट करना होता है तभी ये जाकर डिलीट होता है। तो इस तरह का ये इसका काम है। तो आप इसमें भी रख सकते हो आपका फ़ोटो वगैरह, और आप ड्राइव में भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर स्टोर करोगे। तो इस तरह का ये इस फ़ोटो का काम है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।